फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एंड आर पाठशाला में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिर से एक जनरल पेपर का सेट, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका संकलन करके मैं लाया हूँ। इस प्रकार के पेपर मैं प्रतिदिन आपके लिए लेकर आता हूँ। जो बच्चे DSSB, KVS, NVS और भी कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर बताएंगे, जिससे कि आप जान सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न देखेंगे, संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु या केरल। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, तमिलनाडु। संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ए ओ ह्यूम, जॉर्ज यूले, हिलेरी या वॉशिंगटन। मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूले, दूसरा वाला। अगला प्रश्न देखिए, किस महाद्वीप देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या दक्षिण अमेरिका में? तो मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका में। अफ्रीका में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है, अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में या असम में? मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो ये है उत्तराखंड में, दूसरा। जो जिम कॉर्बेट है वो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न देखिए, कपास उत्पादन में प्रथम राज्य है, कपास का उत्पादन हमारे देश में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा करता है? तो ये है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र, पहला ये वाला, महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में सबसे आगे। अगला प्रश्न देखिए, सिक्स्थ, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में मिलता है? निर्वाचन आयोग का वर्णन या जानकारी हमें किस अनुच्छेद में मिलती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है पहला, अनुच्छेद 324 ये। अगला प्रश्न देखेंगे, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी होता था? ऑप्शन है पुरोहित, गुप्तचर, राजकुमार या रानी। पुरोहित, गुप्तचर, राजकुमार या रानी। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है पुरोहित, राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत क्रांति की मां, भारत की में क्रांति की मां किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, भीकाजी कामा को या लक्ष्मीबाई को? मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है भीकाजी कामा। भारत में जो क्रांति की मां है वो है भीकाजी कामा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ है, प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, चरक संहिता या गीता? मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है दूसरा, चिकित्सा ग्रंथ प्राचीनतम जो है वो अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन, इसमें जो है चिकित्सा से संबंधित जानकारी सबसे पहले दी गई थी, इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गरीबों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बंगाल।
मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, उत्तर प्रदेश। भारत में गरीबों की सर्वाधिक संख्या किस में है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब कुछ प्रश्न हम इंग्लिश से लेते हैं। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, ऑप्शन है पुअर, इंसॉल्वेंट, लॉजिक या लेक्सिकोग्राफर। ऐसा आदमी जो अपने ऋण को चुका नहीं सकता, उसको हम क्या कहेंगे? पुअर, इंसॉल्वेंट, लॉजिक या लेक्सिकोग्राफर। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हम उसे कहते हैं जो अपने ऋण को चुका नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश, द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश, ऑप्शन है ओवर, अपॉन, आफ्टर, ऑन। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर है पहला, ओवर। द न्यू गवर्नमेंट टुक ओवर, टुक के साथ ओवर का यूज होता है। नई गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है या। अगला प्रश्न देखेंगे। पोइनंट, पोइनंट का सेम वर्ड क्या होगा? हैप्पी, सैड, सिली या क्यूरियस। ऑप्शन है हैप्पी, सैड, सिली या क्यूरियस। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है सैड, दूसरा, पोइनंट, सैड। अगला प्रश्न देखिए। एग्जोनरेट का ऑपोजिट वर्ड बताना। एग्जोनरेट, एग्जोनरेट, ऑप्शन है कन्विक्ट, रिलीज, एडमिट, इग्नोर। एग्जोनरेट का ऑपोजिट, मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो एग्जोनरेट का ऑपोजिट वर्ड है कन्विक्ट। एग्जोनरेट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, सजा मुक्त कर देना, और कन्विक्ट का मतलब होता है कि दोषी करार देना। तो एग्जोनरेट का ऑपोजिट हो गया कन्विक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। व्हेन आई वेंट देयर, राम इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। इनमें से जो पार्ट गलत है ए बी सी डी में वो बताएंगे। व्हेन आई वेंट देयर, राम इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, नो एरर। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बी, व्हेन आई वेंट देयर, राम वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। वॉज होगा क्योंकि यहां हमने पास्ट का यूज किया है, तो यहां भी पास्ट का यूज होगा, यहां प्रेजेंट का यूज नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। नदी का संबंध जैसे बांध से है, वैसे ही यातायात का संबंध किससे है? ऑप्शन है संकेतक, वाहन, गति या ब्रेक। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो यातायात का संबंध जो है वो संकेतक से है। जैसे नदी के को बांध जो है वो स्लो करता है, धीमे करता है उसके प्रवाह को, वैसे ही यातायात में जो वाहन होता है उसमें यातायात को, जो प्रवाह को धीरे करता है, वो संकेतक होता है। अगला प्रश्न देखिए। भिन्न चुनिए, आपको बताना है इनमें से अलग क्या है? पीतल, लोहा, तांबा या जस्ता। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है जस्ता, चौथे वाला, जस्ता। अगला प्रश्न देखिए। कामायनी रचना है, ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी या अज्ञेय। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, तो ये दूसरा आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। द्विगु में प्रथम पद प्रधान होता है, कर्मधारय में बाद वाला पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। हम अन्य पद की बात कर रहे होते हैं इसमें, इसलिए बहुव्रीहि जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अशुद्ध पद है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अशुद्ध पद है? निशाचर, ऋषि, केले या पढ़ना।
मुझे उम्मीद है आपने आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, केले। केले नहीं होता, केले शब्द होता है। तो ये जो बिंदु लगी है गलत है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहे होंगे। अगर आप कुछ विशेष प्रकार के वीडियो चाहते हैं, किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।